ऐसे ही किसी के हाथों में नहीं जानते। भाभी जी के कहने पर भैया जी वो दोनों चुड़ैलों लोलो लवली को चमत्कार की बागडोर देने के लिए राजी हो गए। क्या? संभालो अपनी कुर्सी। एक बात बोलो, तुम्हारा सपना क्या है? दो दिन में इस चार दीवारी में तुम्हारा दम घुटने लगेगा, अब फिर क्या करोगे? फटाने का पेपर नहीं मिल रहा है। तू प्लीज कुछ भी करना, लेकिन पकड़ी मत जाना, ठीक है? रेडियो कारी में रोमियो जूलियट की शूट है। Interesting. बचूंगी। कहाँ दे? कहाँ? हे भगवान, हमका काहे ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान मधुबन में गोपिकाओं के साथ रासलीला रचाए रहे। आप दोनों यहाँ, हमने कोनो डिस्टर्ब तो नहीं किया आप लोगों को बातचीत में? मुझे कोई गल नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम डॉक्टरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। लवली जी, थैंक यू, आपने तो हमें बचा लिया, नहीं तो हम तो नीचे ही गिर जाते। थैंक यू कह के आपने तो पराया कर दिया बिल्कुल, ये तो मेरा फर्ज था। जिंदगी में आगे भी कभी गिरने लगे ना तो आवाज दे दीजिएगा, आपके लिए दौड़ी चली आऊंगी। काहे ऐसा लग रहा है कि दूर कहीं पहाड़ी के पीछे कोई बांसुरी बजा रहा है मोहब्बत की। ओ नहीं पीकी जी, काहे ऐसा लग रहा है कि चमत्कार में लैला मजनू की कहानी शुरू होने वाली। पीके जी, पहली बात यहाँ कोई मजनू नहीं है, दोनों लैला ही है, और वैसे भी इस लैला ने अपने मजनू को सिलेक्ट कर लिया है। कुछ भी हो बस, लेकिन कुछ गड़बड़ है, समझ लो कुछ गड़बड़ है। अब क्या करें? शादी करा दो। शादी? बाजी अचानक शादी का ख्याल कहां से आ गया? कि एक दफा करू का विवाह हो जाए ना तो फिर जिम्मेदारियों का बोझ उसे अपने आप शांत कर देगा ना, तेरा क्या ख्याल है? बाजी समय से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। अभी तो करू ने इस परिवार के इज्जत पे जो दाग लगा है उसे मिटाने के लिए एक महीने का वक्त मांगा है, और बाबूजी आप ही ने तो कहा था ना कि उसे अपनी लड़ाई लड़ने का मौका देना चाहिए, उसके बाद हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। मगर फिर भी। फिर भी क्या? करू की रजामंदी भी तो जरूरी है, हो सकता है उसने अपने दिल ही दिल में अपना जीवन साथी पसंद कर लिया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि करू की जिंदगी में कोई है। शार, डॉक्टर्स ने कहा है तुम्हारी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है,
और तुम्हें ठीक होते हुए देखते हमारी तबीयत खराब हो रही है। तुषार तुम ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम ठीक हो गए तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। बेबी वक्त आ गया है इस खतरनाक खेल को एक नया अंजाम दे दिया जाए। क्यों ना तुम्हारे ठीक होने की संभावना पूरी तरह से खत्म कर दी जाए, तुम्हें हमेशा के लिए बेहोश कर दिया जाए। सिर्फ एक सपना था, एक बुरा सपना, लेकिन मुझे होशियार रहना होगा। अपना मतलब पूरा करने के लिए लोलो और लवली इस सपने को हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। ओ गॉड, 7 बज गए। अगर नीलू जी और त्रिभुवन जी को पता चल गया कि मैं पीके जी के साथ नहीं रहती तो भाग। किधर जाओगी सोनिया? सरदार जी, अरे कुकी तो बनी नहीं। पापा जी, तुसी ग्रेट हो, महान हो, पंजाब दी शान हो। मैडम मैडम, आप मधुबनी नूडल ऑर्डर ट्राई करेंगे? नो थैंक्स। जो भी पिएगा हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। सुबह से चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया, पर एक बोतल तक नहीं बिकी। अरे कमाल है, बाथरूम में जाते वक्त तो लड़की भी आते वक्त लड़का, फेस में शराब तो नहीं मिक्स किया? अब मुझे ये ड्रामा और नहीं। मैं चाहती हूँ कि जब लोग मेरी एक्टिंग देखें तो पूरा हॉल तालियां बजाए, मगर जिस तरह की एक्टिंग आप मुझसे करवा रही हैं उसमें आपके अलावा और कोई ताली नहीं बजाएगा। मुझे मुझे स्टार बनना है, बहू नहीं, चमत्कार भवन की बॉस नहीं। इसलिए आज के बाद ये ड्रामा बंद। सुपर ब्लॉग, बस इसी टोन में मम्मी से बात करना, बता दें उन्हें कि ये चेहरा कल की ऐश्वर्या का है, कल की रानी मुखर्जी का है, कल की श्रीमती तुषार पांडे का नहीं। आने दो मम्मा को, मैं उन्हें प्ले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में घुमा, जादू नगरी प्ले आया है कोई जादू। बॉम्ब की जरूरत हो, भंगोली से काम नहीं होने वाला है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ आपको? क्या हुआ है मम्मा? मम्मा प्लीज मेरी बात सुनो। वैसे तो आप हमेशा ही अजीब बिहेव करती हैं, मगर आज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में घुमा, जादू नगरी से। और मम्मा मुझसे कहती है कि मैं पागल हूँ। Alright, दोस्तों, तो इस प्यारी सी धुन के बाद दिस इज RJ Pam साइनिंग ऑफ। सी यू टुमारो इन द सेम शो, Touch My Heart। चल बैठ। आता हूँ। इनका कुछ नहीं होगा, इनके हाथों में ना लाल टेन दे देनी चाहिए और उनके सर पे लाल बत्तियां लगा देनी चाहिए। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल इनके।
थैंक यू थैंक यू. एक्सक्यूज मी. यहाँ टॉप फ्लोर पर देखो. यहाँ का मैनेजर कौन है? जी मैं हूँ. आउट. देखो बेबी वो परी. परी नाम है मेरा. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन परी बेबी नहीं है. दिख रहा है ये तो सिर्फ बॉडी है, अंदर से तो बब्बर शेर है. शट अप परी, आप लोगों से बात नहीं करना चाहता. बात नहीं करोगी सिर्फ मारोगी. परी सिर्फ आरजे करीना से बात करेगा. देखो करीना यहाँ काम नहीं करती अब. हाँ यही तो परी का प्रॉब्लम है कि आरजे करीना यहाँ क्यों नहीं है. आप लोग आरजे करीना का शो बंद कैसे कर सकते हैं? डू यू हैव अकल और नॉट? पता है परी, सिर्फ आरजे करीना का शो सुनकर दूध पीता था, पर आजकल परी दूध भी नहीं पीता. अगर परी बीमार हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे. बच्चे लेकिन नो लेकिन वेकिन, परी यहाँ से तभी हिलेगा जब आरजे करीना यहाँ आकर शो शुरू करेगी. एंड दैट्स फाइनल. तुषार के बारे में पूछ रही थी. कहे क्या हुआ? बहुत घबराई घबराई सी लग रही है, क्या बात? आज सुबह सुबह मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा. वो लोलू और लवली तुषार को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? वो सपना है, वो सपना ही रहेगा. लेकिन सपना तो वो देख रही लोलो फिल्म स्टार बनने का, और लवली भी सपना देख रही तुमरा. दिखाओ हम तुमसे कह रहे हैं मौके का फायदा उठा लो. कुकी जी, जाता कहाँ है दीवाने? सब कुछ यहाँ है सनम. आगे की सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम. देखो लवली जी, हम उस टाइप के मुंडे नहीं हैं. अब हम बड़े ही शर्मीले टाइप के मुंडे हैं. देखो जी, जब हम पंजाब में भी होते थे ना, वहाँ पटियाले की आधे से ज्यादा कुड़ियाँ हमें देख के अपनी बालकनी से पुट्ठी लटक जाती होती थी, लेकिन हम फिर भी उन्हें नजर उठा के नहीं देखते होते थे. देखो जी, हम वैसे मुंडे बिल्कुल नहीं हैं. हम लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं देखते. बड़े पापा जी, आप कुकी बेटा, तेरी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ. इधर आ बैठ. यार तेरे हाथ लड़कियों की तरह बड़े पतले पतले से हैं. जी इतना ही, मैं बचपन से ही पतला था. पतले होने पे ना मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ. बचपन में जब बड़ी तेज हवा चलती होती थी ना, तो मेरे दादाजी मेरे पैर में ना रस्सी बांध देते होते थे. पूछो क्यों? कहे मेरे ना दादाजी को पतंग उड़ाने का बड़ा ही शौक था, और मैं पतंग की तरह ना फुर्न फुर्न उड़ने लगता था. अरे ये सब छोड़ो. देखो तू लड़का अच्छा है, लेकिन लड़कियों के मामले में जरा कच्चा है. इससे पहले कि जवानी साथ छोड़ दे, जरा इधर उधर घूम, लड़कियों से दोस्ती कर. हो सकता है कभी दो एक चांटे पड़ जाएं, लेकिन अब वो तो सबको ही पड़ते हैं. तू हिम्मत नहीं हारना. पार्टनर, आपका ये रूप तो कभी नहीं देखा था. पता ही नहीं था कि आपके अंदर भी एक शरारती बच्चा घुसा हुआ है. मैं तो कहता हूँ और कुछ नहीं तो दूर से ही निहार. हाँ
हाँ, आंखों की सेहत अच्छी रहती है, ये चश्मा उतर जाएगा तेरा। अब एक मिनट पापा जी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, अब आलो जलेबियां खाओ। वाह वाह वाह, काफी हमारा बस चले ना, तो हम तो नाश्ते में भी जलेबी खाएं। आओ ना पापा जी, अब आप कहोगे किस खुशी में, लो जी जलेबी खाने की खुशी में। पापा जी, खुशियों से तो जैसे नाता ही टूट गया हमारा। देख इसे कुकी बेटा, देख बचपन में जब मुझसे नाराज होता था ना तो बहुत तकलीफ होती थी मुझे, ना चाहकर भी हमारे चेहरे पर उदासी आ जाती थी, और तब दौड़ा दौड़ा हमारे पास आता था और लिपट जाता था हमसे, और आज क्यों नहीं दिख रही इसे हमारी उदासी, अपने बाप की तड़प क्यों नहीं दिख रही इसे, क्या करें हम तो लाचार हैं, हार गए। आपके मुंह से हार की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पापा जी। बताया मुझे पीके जी ने कि आप तो हिम्मत और बहादुरी की मिसाल हो, जिंदगी ने आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां रखी हैं, बहुत सारे इम्तिहान भी लिए, लेकिन आप हर इम्तिहान में झंडे गाड़ के बाहर निकले हो। बड़े पापा जी, ये भी आपकी जिंदगी का एक इम्तिहान है, एक पिता का इम्तिहान, और मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो त्रिभुवन दास पांडे जी को अपने बेटे से अलग कर सके। पापा जी, आप इस लड़ाई में जीतोगे। तेरे मुंह में गुड़ शक्कर बेटा। पापा जी, गुड़ शक्कर तो है नहीं, जलेबियां हैं, वो ही खा लेते हैं अधी अधी। देखिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए लड्डू बनाए, चखे तो देखिए। पीके जी। हाँ। अरे लवली जी, वाह, ये लड्डू हमको बहुत पसंद है, आपको कैसे मालूम? ये लड्डू आपके लिए नहीं है। अच्छा, किसके लिए है? कुकी सिंह जी के लिए। वो कहाँ है? मेरे पास ठीक हो जाऊं, मैं तुमसे इतना लड़ूंगी ना कि कुकी सिंह जी। शप्पा, किधर छुप मैं? कुकी सिंह जी कहां चले? ये कहां चले जाते हैं इस तरह से? हेलो पैम। हाँ, मैं फंसी हुई हूँ यहाँ, क्या हुआ? कोई जरूरी काम है? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ जल्दी। हाँ छुपने वाले सामने आ, छिप छिप के मेरा जी ना जला। मान जा मेरी माँ, रेडियो करीब बंद करवाइए क्या? देख मैं ही हूँ करीना। करीना,
जब से ये लड़की यहाँ आई है इसने नाक में दम कर रखा है। करीना इसने किसी को काम भी नहीं करने दिया। अच्छा देखो तुम लोग जाओ, मैं अपने दोस्त से बात करूंगी। दोस्त भी बोलती हो और दोस्त का दिल भी तोड़ती हो। अच्छा बाबा आई एम सॉरी, लेकिन पहले ये तो बताओ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा कब? अरे तुमने अपना शो बंद क्यों किया? परी बहुत गुस्सा है तुमसे। You won't believe this. शो फिर से शुरू कर देते हैं। ठीक है तो तुम अभी शो शुरू कर दो, परी अभी चला जाएगा। ओफो फिर फंस गई। लाइफ में और क्या क्या होना बाकी है? कौन है ये लोग? आरजे करीना प्लीज परी को बचा लो, ये गुंडे हैं। रणवीर रायचंद है। ये रणवीर हो या राजवीर है तो गुंडा ही ना। करीना इन्हें मैंने ही बुलाया, ये परी के पिता है।